Every youth wants to be unique. But the world around you is doing its best day and night to make you just everybody else. Good morning. I am Dr. Pariksha Dabas, HOS Atal Adarsh Vidyalaya, Netaji Nagar. This is an NDMC school and we are glad to be actively participating in this Swachhta movement since 2014. ये जो स्वच्छ भारत अभियान है टेक ऑफ तो हुआ था फॉर 5 years बट आई थिंक इन माई ओपिनियन दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड वी हैव टू एक्चुअली स्टार्ट लिविंग विद दिस intention ki we have to make India completely plastic free, garbage free and everything that is spoiling our environment and this ecosystem. Aur 2014 se awareness campaigns zyada hote the aur sare schools NDMC ne specially design kiye the programs and every school actively participated and we were glad that NDMC areas had a very good position in the Swachhta rankings. Lekin we are improving every day. And this time also our target is to be the best city amongst the small city rankings. And we are very close to it, almost there. Abhi is saal ka jo phase-wise pakhwada hai. This is an integrated program jo ki shuru hua August mein, jahan par humne har din bachchon ko unke kartavya और राइट्स के बारे में बताया तो राइट्स से पहले बच्चों को कर्तव्य बोध कराया और इसमें इंटीग्रेट किया हमने स्वच्छता के साथ कि जहाँ हमारी राइट है टू क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट वहीं हमारा कर्तव्य भी है कि वी हैव टू मेक श्योर दैट हम उसको ख़राब करने के लिए किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट ना करें वहाँ से हमने शुरुआत करी और सितंबर 11th को जब ये स्वामी विवेकानंद जी के हिस्टोरिक स्पीच इन शिकागो विच ही गेव इन द वर्ल्ड ऑफ रिलीजियस मीट में वहाँ से जो टेक ऑफ हुआ है ये पखवाड़ा दिस हैज़ बीन एन अमेजिंग एक्टिविटी बेस्ड प्लान एंड वी आर ग्लैड कि स्कूल्स ने इसको बहुत ही इफ़ेक्टिवली टेकअप किया है जिसमें हमने इंटीग्रेट किया फिटनेस को भी वाटर कंजर्वेशन को भी कंजर्वेशन ऑफ ग्रीनरी एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक स्पेशली प्लास्टिक वेस्ट को 2 अक्टूबर को हमने कंक्लूड किया बाय कलेक्टिंग दी जो भी प्लास्टिक वेस्ट के लास्ट ट्रेसेस हमारे नेबरहुड में बच रहे थे उन सबको हम लोगों ने कलेक्ट किया साथ ही साथ प्लॉगिंग की फिटनेस रन की जिसमें नॉट जस्ट द स्टूडेंट्स बट द पेरेंट्स एज वेल एंड ऑल स्टाफ मेम्बर्स तो हम यहाँ पर स्कूल से ही बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं कि इसको एक हैबिट बनाएं कि प्लास्टिक के यूज़ को रिफ्यूज़ करना शुरू करें वहाँ से शुरुआत अगर हम करेंगे देन ओनली विल बी एबल टू रिड्यूस इट क्योंकि ये बड़े अलार्मिंग डाटा हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए एंड अबाउट 26,000 टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज़ जनरेटेड एवरी डे और डेली उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर है तो ये हमारा एक मैटर ऑफ कंसर्न है एंड वी ऑल हैव टू कमिट आवर सेल्व्स टू दिस मूवमेंट और बच्चे क्योंकि एम्बेसडर्स होते हैं और बच्चे बहुत जल्दी समझते भी हैं और इसमें उनका योगदान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है तो स्कूल इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट ऑल दिस और हम नेबरहुड में जाते हैं बच्चों के पेरेंट्स को अवेयर करते हैं बच्चों ने इस मूवमेंट को रिलीजियसली फॉलो किया है और हमारे स्कूल में इस पखवाड़े के दौरान प्लास्टिक जनरेशन एंड यूज़ ऑफ प्लास्टिक ऑलमोस्ट ज़ीरो है सो वी कैन नाउ प्राउडली से कि NDMC आई थिंक इज़ अ प्लास्टिक फ्री जोन एज ऑफ टुडे लेकिन यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है वी हैव टू स्प्रेड इट अराउंड वी हैव टू स्प्रेड दिस मैसेज टू एवरीबडी नॉट जस्ट दी NDMC एरियाज वी आर कैरिंग दिस मैसेज टू आर होम्स और ये फेस्टिवल सीजन में हम बच्चों को हर रोज़ सिखा रहे हैं कि फेस्टिवल में दे हैव टू एक्चुअली रिफ्यूज़ प्लास्टिक इन एनी फॉर्म क्योंकि अगर ये प्लास्टिक रिफ्यूज़ करेंगे तभी ये बैन होगा और विकल्प ढूंढेंगे विकल्प ऑलरेडी हैं बच्चों ने थैले बनाए हैं थैले ले जाना शुरू कर दिया है स्ट्रॉज को रिफ्यूज़ कर दिया है दे आर ब्रिंगिंग देयर रीयूजेबल लंच बॉक्सेज विद देम
reusable water bottles with them. They are educating and telling their parents also to carry shopping bags with them. So we are almost there. Lekin jaise maine begin kiya ki we have to be the change we want to see in this world. So the change has already taken place, and I'm sure very soon this place is definitely going to be a plastic-free zone. Thank you so much.